महाराजा के जमानों से भगवति का पूजन हो रहा है और यहाँ आला होटल जो मांडव से आई वहाँ खिला यहाँ उन्होंने भगवति की विद्यासेन पूजन की, यहाँ पूजन की विद्यासेन की नौ देवी के साथ में, इसके बाद में भगवती चामुंडा जो है देवास मेरा सुमित पांडर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मिस्टर धार MP11। सो गाइस अभी हम आए हैं बिजासन माता इंदौर, तो अभी आपको बिजासन माता इंदौर के दर्शन कराते हैं, चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। भगवती के दर्शन लाभ होते हैं और यहाँ कई लोग मान उतारने आते हैं और जो भी मन्नत कर जाएं, किसी को बालक नहीं हो रहे हैं या कोई कार्य नहीं हो रहे हैं या स्वास्थ्य बनाते हैं या यहाँ आके जो भी कार्य करते हैं उनके कार्य संपूर्ण रूप से माँ भगवती बीजा से पूर्ण करती है। और ये जो स्वयंभू है यहाँ जो राजा महाराजा के जमानों से भगवती का पूजन हो रहा है और यहाँ आला होटल जो मांडव से आई वहाँ खिला यहाँ उन्होंने भगवती की विद्यासेन पूजन की, यहाँ पूजन की विद्यासेन की नौ देवी के साथ में, इसके बाद में भगवती चामुंडा जो है देवास वहाँ पूजन की, इसके बाद में सल्तनपुर में पूजन की और फिर इसके बाद में मैयर। तो ये भगवती जो है बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ बहुत विशेष पूजन का रहता है और यहाँ जो भी श्रद्धालु जो भी अपनी इच्छा लेके आता है वो भगवती माँ पराम्बा पूजन करते हैं। तो गाइस देखा आपने, ये आला उदल के जमाने की देवी है माता जी और यहाँ सभी मन्नतें पूरी होती है और कल भी शायद यहाँ 20,000 लोग आए थे जी। तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं, अपनी मांग पूरी करते हैं, अपनी मन्नत पूरी करते हैं, यहाँ पर लोगों का उपचार होता है, दूर होते हैं, तो काफी लोग यहाँ पर आते हैं। जिनको बच्चे नहीं है उनको बच्चे भी, जो नी संतान होते हैं उनको भी संतानें होती है। तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही भव्य मंदिर है और यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। तो आप सभी से यही अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस मंदिर में पधारें, यहाँ पर दर्शन का लाभ लें